Hey guys and welcome back to another video. मैंने अभी recently Instagram पे एक post डाला था जहाँ पे मैंने announce किया था कि मैं Q&A video प्लान कर रहा हूँ. सो ये वीडियो मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा, शायद इसके बाद आएगा Q&A वीडियो. सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं आप जल्दी से इस पोस्ट पे जाके कमेंट कर सकते हो. अब एक क्वेश्चन ऐसा जो मेजॉरिटी लोगों ने पूछा था एंड मैंने सोचा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं. एंड आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ अबाउट करियर इन फोटोग्राफी आफ्टर 10th या आफ्टर 12th या इवन 12th के बाद आप कैसे फोटोग्राफी में करियर बना सकते हो और क्या फोटोग्राफी में करियर है या नहीं, उस बारे में बात करने वाला हूँ. अब शुरू करते हैं इस वीडियो को. बट उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा. थोड़ा मतलब जेनेरिक वीडियो होगा, 1-to-1 जैसे हम TPB टॉक्स में करते हैं. सबसे पहली चीज़ मैंने देखा है कि बहुत लोगों के माइंड में ये है कि फ़ोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा पैसा है. और जब वो ये सोचते हैं कि फ़ोटोग्राफी में करियर बनाना है, पहली चॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप एज अ पैशन करना चाह रहे हो या एज अ हॉबी शुरू कर रहे हो या सिर्फ इसलिए कि उसमें पैसा है इसलिए आप फोटोग्राफी एक्सप्लोर करना चाह रहे हो. अगर सिचुएशन वन है कि आप एज अ पैशन या हॉबी करना चाह रहे हो, आप बहुत करियर है, बहुत ऑप्शंस हैं, आप बहुत आगे जाओगे. बट अगर आप सिर्फ पैसे के हिसाब से फोटोग्राफी देख रहे हो, बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा आपके लिए फोटोग्राफी में करियर. ऐसा क्यों है मैं आगे आपको बताऊंगा, बट मैं इस नोट पे शुरू करना चाहता ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, 10th या 11th या 12th में बहुत लोग ये सोचते हैं कि फ़ोटोग्राफी करना है एंड स्कूल के बाद हम क्या करें. सबसे पहली चीज़, स्कूल ज़रूर पूरा करना. बिकॉज होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, कई लोग 10th 11th छोड़ के फोटोग्राफी में अगर आने का सोच भी रहे हैं, सबसे बड़ा इशू क्या होगा, जो आपको 10th 11th 12th में जो स्कूल में आपको सीखने को मिलता है, नॉलेज लर्निंग जो भी चीज़ है, वो सब कहीं ना कहीं आगे आपको काम आएगा. और अगर मैं बात करूं 12th के बाद की, जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि 12th के बाद हम क्या करें, फ़ोटोग्राफी में कोर्स करें, डिग्री करें या कुछ और करें और साथ साथ फ़ोटोग्राफी करें, मैं लास्ट वाली ऑप्शन चूज़ करूंगा, जो है कि आप कुछ एक कोर्स अलग से करो, चाहे वो MBA हो, BBA हो, मास कॉम हो. मैंने मास कम्युनिकेशन किया था क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, अगर आप सिर्फ फ़ोटोग्राफी ही फोटोग्राफी सुनते रहोगे, सीखते रहोगे, करते रहोगे, एक चीज़ अच्छा है, आप फोटोग्राफी वाइज क्रिएटिव माइंड अगर आपका है, आप अच्छा फोटोग्राफी करोगे, बट इन अ वे आगे जाके आपको प्रोफेशनली करना है, आपको अर्न करना है उससे, उसमें मार्केटिंग बहुत काम आता है. और वो जो मार्केटिंग है वो आप सीख सकते हो जब आप कॉलेज में मे बी MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, या मास कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैंने पर्सनली किया था. क्योंकि इशू क्या होता है, ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है, आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आपका काम अच्छा है, बट जब वो मासेस तक नहीं पहुंचता और लोग नहीं देख पाते तो उस अच्छे काम का कुछ फ़ायदा नहीं होता. अब वो मासेस तक पहुंचाने के लिए है, अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैंने मास कम्युनिकेशन किया, वहाँ मैंने जर्नलिज्म, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग सब कुछ पढ़ा, थ्योरी था बट स्टिल मेरे को एटलीस्ट नॉलेज मिला कि इस सब चीज़ों में क्या होता है. उसके बाद मैं 5-5.5 साल डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर रहा था, उस सारे एक्सपीरियंस को लेके मैंने यूट्यूब, फोटोग्राफी, इंस्टाग्राम जहाँ भी है हर जगह यूज़ करा. सो एक चीज़ क्या होता है, सिर्फ फोटोग्राफी करना ही आपको ग्रोथ उतना नहीं दे पाएगा जितना मार्केटिंग और बहुत चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वो आप सिर्फ फोटोग्राफी करके नहीं गेन कर पाओगे, आप जब कॉलेज में जाओगे और लोगों से मिलोगे, बात करोगे, कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, आप जब प्रेजेंटेशंस देते हो उससे आप बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हो. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू ग्रो एज अ फोटोग्राफर. और करियर की बात आ रही है, सो करियर में ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अब मैं इंस्टाग्राम की अगर बात करूँ, बहुत ये चीज़ मैंने रिसेंटली बहुत देखा है कि कई लोग बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पेशली फोटोग्राफर्स, कि उनका लाइफस्टाइल देख के आप, वो लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, ब्रांड्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो आप भी उसी चीज़ में जाने लग जाते हो. मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं खुद भी अभी कर रहा हूँ, मैं भी ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, बट
ये चीज़ें आप साइड बाय साइड चलनी चाहिए। आप मेजरली इसको लेके चलोगे तो शायद ओवर द टाइम अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो आपके पास बैकअप नहीं होगा। सो एज अ फोटोग्राफर, इंस्टाग्राम में जो फोटोग्राफी होती है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, और जो एक्चुअल फोटोग्राफी है वो एकदम डिफरेंट है। इंस्टाग्राम पे आप देखोगे सैचुरेशन अच्छा चाहिए और वाइड एंगल शॉट्स या अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, वो भी एक तरह की फोटोग्राफी है। बट अगर आप प्रोफेशनली करना चाह रहे हो वहाँ पे आपको लाइटिंग टेक्निक बहुत चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, तो जिसके लिए आप एक बैलेंस रखना पड़ेगा चाहे इंस्टाग्राम हो या फोटोग्राफी का। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि ठीक है आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप एक साल दो साल तीन साल से फोटोग्राफी कर रहे हो, बट एक बात कहाँ पे आके अटकती है कि जब आपको और चीज़ों में इन्वेस्ट करना होता है चाहे वो कैमरा लेंसेज फ्लैश एक्सेसरीज कुछ भी हो। अब जब आपको इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, और फोटोग्राफी कोई ऐसा नहीं है कि आपने 1,000-5,000 का कुछ आपका कैमरा या लेंसेज आ गए, बहुत एक्सपेंसिव हॉबी पैशन या प्रोफेशन है। सो उसके लिए आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, और इस पॉइंट से आता है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, वो है अब कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हमें सिर्फ फोटोग्राफी करना चाहिए या जॉब के साथ फोटोग्राफी या कॉलेज या स्कूल के साथ फोटोग्राफी। अब मेरा पॉइंट ये है, एक बेनिफिट ये है अगर आप अभी बहुत अर्ली स्टेज पे हो, आप 10th में हो 12th में हो कॉलेज में हो, आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप एक यंग एज में हो, आप अभी बहुत टाइम है आपके पास एक्सप्लोर करने का। सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करो खुद से, चाहे आप स्कूल में हो स्कूलिंग करो, साथ साथ वीकेंड होते हैं या आप स्कूल जा रहे हो शाम के या रात का आपके पास टाइम है आप तब प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉलेज में आपके पास बहुत टाइम होता है, अगर आप कॉलेज बंक भी कर रहे हो उसका अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो एंड फोटोग्राफी असाइनमेंट्स कर सकते हो, लोगों को असिस्ट कर सकते हो, बिकॉज असिस्ट करना मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप वेडिंग या फैशन या प्रोडक्ट फोटोग्राफी किसी एक पर्टिकुलर जॉनरा में जाना चाह रहे हो, उस फील्ड के फोटोग्राफर के साथ अगर आप जॉब नहीं मतलब असिस्ट करोगे तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज आपको स्पेसिफिकली वो चीज़ सीखने को मिल रही है एंड वो एक बहुत अच्छा लर्निंग कर्व रहता है। अब अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे हो, जॉब और ये सब आपने छोड़ दिया है, अब सिर्फ फोटोग्राफी से जो अर्निंग है वो एकदम से इतना नहीं आएगा कि आप सोचो कि महीने का, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है अजम्पशन ये है कि महीने का 1-1 लाख 2-2 लाख कमा रहे हैं, वो ओवर द टाइम होता है जब आपका काम उतना हो रहा है एक्सपीरियंस हो रहा है एंड वो एकदम से नहीं होता। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप जॉब कॉलेज स्कूल जो भी कर रहे हो साथ साथ करो, वीकेंड्स में या छुट्टी लेके जैसे भी आप असाइनमेंट्स करते रहो, असिस्ट करो फोटोग्राफर्स को, एंड देन जब आपको लगे कि आप जितना एक सस्टेनेबल इनकम आपको लग रहा है तब आप फुल टाइम फोटोग्राफी में आ सकते हो। बिकॉज ये हार्ड ट्रूथ है, दिन भर दिन फोटोग्राफर्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, बट अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपका काम यूनिक है, आप इस फील्ड में बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट एक ये चीज़ आता है कि इंस्टीट्यूट्स के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कौन से कॉलेज कौन से फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए या नहीं। मेरा मानना यह है अगर इंस्टीट्यूट में आपको 2-3 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो फैकल्टी है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, उनका काम देखो, अगर आपको लगता है उनका काम अच्छा है तभी वो शायद आपको उतना अच्छा सिखा पाएंगे या अगर उनको नॉलेज उतना है। सेकंड चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडियो सेट्स हैं या आप जो प्रैक्टिकल चीज़ें करोगे उसका कितना अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा। एंड थर्ड थिंग, जब आपका कॉलेज या जो भी आप डिग्री कोर्स कर रहे हो उसके बाद जो ऑलरेडी पास आउट लोग हैं वो कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड हैं या नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक थोड़ा रिसर्च करना। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा आप बेसिक सीखो, उसके बाद जिस जॉनरा में मतलब जिस तरह की फ़ोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट है चाहे वो वेडिंग इवेंट्स स्पोर्ट्स फैशन जो भी है, उस फील्ड के फोटोग्राफर को आप असिस्ट करो या उनके साथ काम करो, वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। एंड वो जो पैसा है वो आप गियर्स में कैमराज एंड लेंसेज में इन्वेस्ट करोगे तो बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से यही था अभी वीडियो, आई थिंक 12-13 मिनट की हो गई है, सो आई ट्राई टू कीप इट, थोड़ा लंबा हो गया बट यहाँ तक ही वीडियो रखेंगे। आपके क्या सजेशंस हैं, क्या इनपुट्स हैं इस वीडियो के बारे में, क्या सजेशंस हैं, डू कमेंट एंड लेट मी नो। हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।